भाई का सवाल है कि वो पूछ रहे हैं कि एक आदमी है, उसको दावत के लिए जाते हैं, तो आदमी झूठ बोलता है और बदखलाकी का मामला उसका, तो फिर वो उसके पास जाएं तो वो ज़्यादा बोलता है, तो उसकी भी सुनना पड़ती है, तो क्या हम सुने? वो ये बकवास ही कर रहा है, कोई किसी उसकी बात नहीं कर रहा, तो क्या सुने उसको? तो देखिए, ये अगर आपको उसकी वाकई इसलाह की फ़िक्र है, वो करना है, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये भी सुन्नत तरीका। वो हम पूरा तरीका हम उसमें रख नहीं सके, क्योंकि बहुत लंबा है। अल्लाह के रसूल की तमाम ज़िंदगी में इस्लाह के तरीके और भी मिलते। अभी इसके ताल्लुक से हम देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे कोई बात कहता और कोई बात उनसे कहता, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ कान करते, उसको सुनते रहते, जब तक कि वो पूरी बात नहीं कहते, तब तक अपना चेहरा नहीं हटाते थे, जब तक कि उसका मुँह पीछे नहीं ले जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हाथ मिलाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से, जब तक वो सामने वाला अपना हाथ नहीं खींच ले, अल्लाह के रसूल से हाथ नहीं खींचते थे। ये तरीका, तो बात तो वहाँ पर, और इसके कई वाक्य, एक नहीं कई वाक्यात मिलते हैं। एक जो है एक शायर थे बहुत बड़े, तो वो शायर वहाँ आए मदीना, जब वहाँ पर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में जो है उनको आगे, अरे इनके पास मत जाना, ये बड़े जो है जादूगर है, ये फलाँ है, वो शायर है, और उनका कलाम ऐसा, लोग जो है उनका दिमाग वो हो जाता है, उनकी तरफ चले जाते हैं। थोड़े दिन तक वो छुपते फिरे, तो उन्होंने फिर एक दिन सोचा, यार मैं तो इतना बड़ा शायर हूँ, बड़े बड़े शायरों का कलाम मैंने सुन रखे, और अल्लाह के रसूल ये इनके बारे में कह रहे हैं, चलो मैं जाता हूँ कि इसे आपकी बोलता क्या है। तो उन्होंने जाकर उनसे कहा कि बोले मैं शायर हूँ, ये तो अच्छा बोले, तो उन्होंने कहा कलाम सुनाओ कलाम। तो उन्होंने बहुत सारा कलाम सुनाया अल्लाह के रसूल सल्लम को, बहुत सारा सुनाया, और सुनाने के बाद काफ़ी देर हो गई, कि उन्होंने कहा कि हाँ पहले तुम सुना लो। बोलो जितना सुनाना था उन्होंने सारा सुना लिया, तो उसमें बहुत सारा वक्त लगा। वो उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल कहा कि अब उन्होंने कहा कि देखो क्या अब आप कहो। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो फिर किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता है, इस्लाम कबूल किया। तो सुना अल्लाह के रसूल सल्लम ने इतना सारा। इस तरह एक जो है झाड़ फूँक करने वाले थे, वो अल्लाह के रसूल को जानते भी थे, बचपन में उनके साथ में ही थे। जब उनको मालूम पड़ा कि यार वापस आए, तो कि यार ऐसा ऐसा मामला हो गया, उनके पास मत जाना, तो उन्होंने कहा कि यार मैं जाऊँ, उनकी जो है झाड़ फूँक करूँगा मैं। मैं तो शायर, मैं जो शायरी भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, तो मैं तो हो सकता है कि बीमार हो, तो मैं इसको सही कर दूँ। तो उनके पास में गए और जाकर उन्होंने उनसे कहा कि क्या हुआ तुमको, ये मैं झाड़ फूँक करने वाला ये और तमाम चीज़ें ये करता हूँ। उन्होंने कहा पहले तुम सुनाओ। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें उनको सुनाई, अलग अलग सुनी, और फिर उसके बाद में वो खुतबा हाजा जो इन अलहमदिल्ला नमदो नस्तिन वो पढ़ा, और वो जैसे ही पढ़ा कहा ये तो फिर ये तो अल्लाह का कलाम हो सकता है, तो इल्मान कबूल किया। इसके अलावा जो एक और आपको बताऊँ कि वो ये बुखारी की ये सबसे बड़ी हदीसों के अंदर आता है, जिसके अंदर सबसे बड़ी हदीस आती है कि हजरत आयशा एक बार कहीं चली गई किसी मजलिस के अंदर, और उसके अंदर क्या हुआ कि वो सब औरतें बैठी थी और वहाँ पर 11 औरतें बैठी थी और ये खुद 12 थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ गई और जाकर उन्होंने उस दिन कुछ बातचीत चली, तो उन्होंने कहा अपने शोहर के बारे में सब, उनकी जो खूबियाँ हैं जो वो बताएं सब अपने अपने शोहर की। तो अब वो सब अपने अपने शोहर की खूबियाँ बता रही वहाँ पर, और उन्होंने उनको बताई, और कम से कम जो है 11 की पूरी जीवनी वहाँ पर रख दी। और अल्लाह के रसूल सल्लम फिर वो आयशा रज़ी अल्लाह आई ना घर पर, तो पूरी बता रही, बोले आज तुम गई थी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो वो वहाँ गई थी तो ये जो है वहाँ पर ये साबिया मौजूद थी, और उनके अपने अपने शोहरों के बारे में बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लम को पूरी बता रही, बोले उसने ये कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ ठीक है। पूरी 11 ही साहबाओं की ज़िंदगी उसी एक हदीस में आ जाती है, और अल्लाह के रसूल पूरा सुनता रहे, तो सुना इतना सारा अल्लाह के रसूल सल्लम। तो इससे मालूम पड़ता है कि देखिए बीवी भी ज़्यादा बोलती है, तो उसकी हमको सुनना स्पेस देना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लम। ये भी तरीका है सुन्नत का, इतना सारा स्पेस दिया उनके, हाँ तुम ही बोले जाओ सुनो, हाँ, तो ये भी मिलता है। अब इतना सारा मिलता, आधी रात लग गई होगी 11 जने के बारे में सुनने। तो ऐसा नहीं होता है किसी को, आप जब तक नहीं सुनेंगे उसके, देखो ये सुनना इसलिए होता है कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में उससे बात कर रहे हैं, आप मान लो उसके जो शिर्क के बारे में उससे बात, नमाज के बारे में बातचीत करें, किसी भी मसले के, उसके अंदर खुद के अंदर भी तो है जो उसके अंदर पहले से भरा हुआ है। जब तक वो निकालेगा नहीं, तब फिर वो निकल जाएगा, उसके बाद फिर आप रखेंगे, खाली हो गया, उसने पूरा अपना खोखा खाली कर लिया, फिर आप डालेंगे तो उसके अंदर जाएगा। अब उसके अंदर भरा हुआ आपने शुरू किया, तो फिर वो उसके मसले लाएगा बीच में, नहीं ऐसा, वो ऐसा क्यों किया, वो ऐसा किया, तो फिर आपको फिर वो इंटरप्ट करेगा उस चीज़ के अंदर। अब पहले उसको खाली होने दें, पूरा उसने बोल लिया उसको बोल दे, उसके बाद में फिर आप अपनी बात रखें उसके सामने। तो ये तो सुनना तो पड़ेगा, और ये तो सुन्नत भी है, वो कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि वो जो सुनते हैं और फिर उसके अंदर एहसान बांध की इतबा करते हैं, अपना कान लगा कर सुनते हैं, तो इसमें यही मसला है, तो उनको सुनना भी चाहिए इंशाल्लाह। टाइम ओवर।